ये रिश्ते कहलाता है निजा। एक तरफ अक्षरा ने अपनी शादी को एक और मौका देने का सोच लिया है, आगे बढ़ने का सोच लिया है और ये बात अभी हमको काफी ज्यादा खुशी देती नजर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी खुशी के मारे फूली समाती नहीं नजर आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि उनको अक्षरा का वो पेंडेंट जो मिलने वाला है, जो एक्चुअली था अक्षरा का, लेकिन इस तरह से प्रेजेंट हुआ आरोही के सामने, उन्हें लगा कि अभिमन्यु स्पेशली आरोही के लिए वो लेकर आए हैं और वो आरोही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप वही हम देखने वाले हैं कि जहां मैंने आपको कल बताया था कि अभिमन्यु का होने वाला है एक एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में उनकी कंडीशन होगी काफी ज्यादा क्रिटिकल, और इतनी ज्यादा मल्टीपल इंजरीज और अभिमन्यु की क्रिटिकल कंडीशन के बाद अब देखने वाली बात ये होने वाली है फैंस की, एक चीज है जो अभिमन्यु की इस क्रिटिकल कंडीशन से उनको फौरन बाहर निकाल सकती है, और वो है अभीर का सच पहुंचना उत्तर। जी हाँ, अगर उन्हें ये पता लग गया कि अभीर उनका बेटा है, वही बच्चों में से एक बच्चा है जो कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी नजरों में खो दिया था, अगर ये बात अभिमन्यु तक उस क्रिटिकल कंडीशन में भी पहुंच गई तो भी वो उस क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अक्षरा अभिमन्यु को बचाएंगी इस सच को उन तक पहुंचाते हुए, या फिर अभी फिलहाल के लिए अभी का ये सच कुछ दिनों के लिए साइड टाइम होने वाला है और अभिमन्यु की क्रिटिकल कंडीशन अक्षरा किसी न किसी तरह से हल करती नजर आएंगी। जाने के लिए स्टेटस के शो रिश्ते क्या कहलाते हैं, पूरा ध्यान देखते रहे, क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हैप्पी होली टू एवरीवन।